शिखंडी किन्नर जो बनी भीष्म की मृत्यु का कारण। महाभारत विश्व का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, जिसमें मनुष्यों के साथ साथ देवताओं और असुरों ने भी भाग लिया था। यूं तो महाभारत में अनेक पात्र थे, मगर एक ऐसा पात्र भी था जो इस महाकाव्य की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाप्रतापी गंगा पुत्र देवव्रत की, जिन्हें भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता का मान रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और वंशहीन रहकर सिर्फ हस्तिनापुर की राजगद्दी की सेवा करने की अखंड प्रतिज्ञा ली थी। मैं गंगा पुत्र भीष्म चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी और वंशहीन रहूंगा, और जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सेवा से प्रतिबंध रहूंगा। भीष्म के इस त्याग के बाद सभी क्षत्रियों में उनके असीम बल और महानता का प्रचार हो गया था। महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर की गद्दी पर भीष्म के सोतेले भाई विचित्र वीर्य बैठे थे, तब उस काल में काशी के महाराज ने अपनी तीनों बेटियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर रखा था। तीनों पुत्रियों के गुण और सुंदरता सारे विश्व में विख्यात थी। लेकिन जब भीष्म को ये बात पता चली कि स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वो क्रोधित होकर तीनों को अगवा कर उनका विवाह विचित्र वीर से करने के लिए उन्हें हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने भीष्म से एकांत में अपने मन की बात कही। हे महाबली भीष्म, आप मुझे और मेरी बहनों को हरण करके तो ले आए हैं, परंतु मैं शल्व राज्य के राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ और मन ही मन मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। भीष्म को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अंबा को शाल्व राज्य भेज दिया, परंतु राजा ने अंबा को ये कहकर धिक्कार दिया कि भीष्म ने उसका हरण किया और युद्ध में उन्हें हराया है। एक क्षत्रिय होने के कारण अब उसे अपनाना उसके सम्मान के विरुद्ध है। इस घटना के बाद अंबा फिर हस्तिनापुर लौट आई और ये सिलसिला 6 बरस तक यूं ही चलता रहा। अंत में अंबा ने भीष्म से गुहार लगाई और उनसे कहने लगी, हे गंगा पुत्र भीष्म, एक नारी का इतना उपहास किसी युग में नहीं हुआ होगा। अब एक नारी की लाज बचाने के लिए आपको ही क्षत्रिय धर्म निभाना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। अंबा, मैं अपनी अखंड प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें शाल्व से विवाह करने का अनुरोध करना चाहिए। ये सुनकर अंबा जैसे आग बबूला हो गई और क्रोध अग्नि में जलते हुए उसने कई महाप्रतापी राजाओं से भीष्म से युद्ध कर उसे खत्म करने की गुहार लगाई, परंतु भीष्म के पराक्रम से डरकर सभी ने अंबा की मदद करने से इनकार कर दिया। क्रोध अग्नि में अंबा तर तर भटकती रही, परंतु किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अंत में हार कर अंबा ने खुद को भगवान कार्तिकेय के घोर तप में लीन कर लिया। अपनी आंखें खोलो पुत्री और मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे आपसे किसी भी वरदान की कोई इच्छा नहीं है, परंतु मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। भीष्म के कारण मुझे इस संसार ने ठुकरा दिया है और अब भीष्म की मृत्यु ही मेरा न्याय होगा। भगवान कार्तिकेय अंबा की व्यथा को जान गए और उन्होंने उसे नील कमलों से बनी एक माला दी और साथ ही साथ ये वरदान भी दिया कि अंबा, जो भी इस माला को धारण करेगा वो भीष्म से अधिक शक्तिशाली बन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अंबा उस माला को लेकर भी कई वीरों के पास गई, पर कोई भी भीष्म से युद्ध करने के हक में नहीं था। अंत में उसने पंचाल नरेश द्रुपद से विनती की, पर उन्होंने भी किसी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। गुस्से में पागल अंबा ने अपने बालों को खोल दिया और क्रोध अग्नि से भरी अंबा
भगवान कार्तिकेय के द्वारा दी गई नील कमलों की माला को द्रुपद के मुख्य द्वार पर टांग कर हिमालय में महादेव की घोर तपस्या में चली गई। अम्बा, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या अब संपूर्ण हुई। महादेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो आप स्वयं चलिए और मेरा प्रतिशोध लीजिए। अम्बा, गंगा पुत्र भीष्म ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम स्वयं ही अपना प्रतिशोध लोगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा को ये वरदान मिलते ही वो इंतजार नहीं कर सकी और अम्बा ने एक चिता जलाकर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में अम्बा पांचाल नरेश के घर पुत्री शिखंडी के रूप में जन्मी, जिसे पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां याद थी। द्रुपद ने शिखंडी को एक लड़के की तरह ही पाला था और युद्ध में उसे निपुण भी किया था। महाभारत के अनुसार जब वो युवावस्था में थी तब उसने महल के द्वार पर लटकी वो माला पहन ली थी और कार्तिकेय भगवान द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप उसमें असीम वीरों का बल आ गया था। अपनी बेटी के गले में डले हुए हार को देखकर द्रुपद घबरा उठे कि उसकी बेटी की वजह से अब उन्हें भी भीष्म से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। आवेश में आकर द्रुपद ने शिखंडी को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निष्कासित हुई शिखंडी यूं ही वन वन घूमती रही, जहां एक यक्ष ने शिखंडी की नियति जानकर उससे अपना शरीर बदल लिया और वो किन्नर के रूप में परिवर्तित हो गई। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जहां कौरवों की सेना अति बलवान थी, वहीं पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब शिखंडी को ये पता चला कि भीष्म इस युद्ध को कौरवों की ओर से लड़ने वाले हैं, तब वो अपनी तपस्या छोड़कर श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। भगवान श्री कृष्ण पहले से ही शिखंडी के पिछले जन्म के प्रतिशोध और वरदान से परिचित थे, परंतु अर्जुन को संदेह था। प्रभु, इस युद्ध में चारों दिशाओं से महारथी भाग लेने आए हैं, ऐसे में किन्नर को हमारी सेना में सम्मिलित करना क्या उचित होगा? पार्थ, ये महाभारत का युद्ध है, धर्म और न्याय के लिए तुम बस इतना जान लो कि शिखंडी का इस युद्ध में होना तुम्हारी जीत का कारण होगा। श्री कृष्ण ने शिखंडी को पांडवों की सेना में सम्मिलित कर लिया और उसने अपने युद्ध कौशल से कौरव सेना को बहुत क्षति पहुंचाई, पर उसका प्रतिशोध अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। महाभारत के अनुसार शिखंडी ने क्रोध में कौरवों के कई महारथियों को मार डाला था। ये देखकर अश्वत्थामा ने युद्ध की कमान संभाली और शिखंडी को अपने बाणों से घायल कर उसका रथ नष्ट कर दिया। प्रतिशोध में जलती शिखंडी ने बीच मैदान में महाबली भीष्म को ललकारा। भीष्म, कब तक इन दुष्ट कौरवों की सेना के पीछे छिपे रहोगे? मैंने कई जन्म लिए हैं तुम्हारे द्वारा मुझ पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए। शिखंडी की ललकार सुनकर भीष्म को ये ज्ञात हो गया था कि अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्मी है ताकि वो उसका अंत कर सके। शिखंडी एक कन्या थी, अतः भीष्म ने एक स्त्री से युद्ध करना सही नहीं समझा। मौका देखकर श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी अर्जुन के सामने आ गई, जिस कारण भीष्म अर्जुन पर बाण नहीं चला पाए और अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र छोड़ दिया जो कई हजार बाणों में तब्दील हो गया और उस बाण ने महाबली भीष्म के सीने को छलनी कर दिया। फिर अंत में भीष्म ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये थी हमारे इतिहास की एक ऐसे पात्र की कहानी जिसने अपना प्रतिशोध लेने के लिए कई बार जन्म लिया और नियति को अपने समीप कर अपने साथ हुए अन्याय को अंत में न्याय में बदल दिया।